यहाँ पर ध्यान देने लायक ये बात है कि सी प्रोग्रामिंग जो है या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है, उसमें स्विच स्टेटमेंट है उसको ओनली इंटीजर्स को टेस्ट करने के लिए ही काम में लिया जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एग्जैक्ट मैचिंग, इक्वलिटी मैचिंग को चेक करता है। इक्वलिटी मैचिंग हम इंटीजर्स के लिए कर सकते हैं, करेक्टर्स हैं वो भी इंटीजर्स की फॉर्म है, इसलिए उनको भी हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटीजर्स हैं उनकी ये करेक्टर हैं उनकी इंटीजर वैल्यू को काम में लेके उनकी मैचिंग कर लेता है, इंटीजर्स को डायरेक्टली एग्जैक्ट वैल्यू से मैच कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग में स्विच स्टेटमेंट हम रियल नंबर्स के लिए, या जो इक्वलिटी नहीं है, इक्वल मैचिंग नहीं है, उनके लिए काम में नहीं ले सकते। हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जो एक फॉर स्टेटमेंट है वो 97 से 126 तक जो भी करेक्ट इंटीजर्स हैं उनको प्रिंट कर रहा है, मतलब एक फॉर लूप लिया है जो आई इक्वल टू 97 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन 126 तक चलेगा और आई की वैल्यू को वन बाई वन इंक्रीज करते हुए प्रिंट कर देगा। प्रिंट में दो कन्वर्जन स्पेसिफायर लिए हैं, परसेंटेज डी एंड परसेंटेज सी, दोनों को टेब से सेपरेट किया है और प्रिंट दोनों जगह सेम ही इंटीजर किया है आई एंड आई। तो पहले कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज डी की जगह एक इंटीजर आई की वैल्यू प्रिंट होगी, दूसरी जगह परसेंटेज सी जो कन्वर्जन स्पेसिफायर करेक्टर का वहाँ भी एक इंटीजर की वैल्यू प्रिंट होगी। हम इनको कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। ये कंपाइल हो गया, रन किया है तो ये बहुत सारी वैल्यूज आ गई, 97। इसका मतलब हुआ कि 97 जो इंटीजर है उसके कोरस्पॉन्डिंग करेक्टर ए है, 98 के कोरस्पॉन्डिंग करेक्टर बी है लोअर केस, 99 सी, 900 के कोरस्पॉन्डिंग डी एंड सोन, इस तरह से 122 जो इंटीजर है उसके कोरस्पॉन्डिंग अपर केस जेड है। ये 1-to-1 कोरस्पोंडेंस दिखा रहा है लोअर केस अल्फाबेट्स की। इस तरह से हम इंटीजर में देखें तो इंटीजर में कई तरह के डाटा टाइप होते हैं, जिनमें इंटीजर और कैरेक्टर हम देख चुके हैं। उसके अलावा और डाटा टाइप होते हैं, वो है शॉर्ट इंटीजर। शॉर्ट इंटीजर, इंटीजर इसको नॉर्मली शॉर्ट भी लिखते हैं। ये इंटीजर 4 बाइट काम में लेता है, शॉर्ट है वो 2 बाइट्स ही काम में लेता है, मतलब कम मेमोरीज में ही ये काम कर जाता है। लॉन्ग इंटीजर है, यदि हमारी कैलकुलेशंस बड़ी हैं, हमें बड़े नंबर्स को कैलकुलेट करना है, तो हम लॉन्ग इंट काम में लेते हैं, जिसका प्रिसीजन इंट से ज़्यादा होता है, नॉर्मल इंटीजर से ज़्यादा होता है, नॉर्मली उसको लॉन्ग भी लिखते हैं। इसी तरह से हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखें तो शॉर्ट इंटीजर है उसकी मिनिमम वैल्यू -32768 से लेकर +32767 तक होती है। इसी तरह से इंटीजर की जो रेंज है वो 2147483648 की नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट होकर 2147483647 तक जाती है। उसके अलावा शॉर्ट जो लॉन्ग इंटीजर हैं कुछ मशीनों में उन वो नॉर्मल इंटीजर के बराबर ही मिलेंगे। नॉर्मली 64-बिट मशीन जो है उनमें लॉन्ग इंटीजर का प्रिसीजन ज़्यादा होता है, वो 8 बाइट्स में स्टोर होता है। हम यदि बात करें करेक्टर्स की तो नॉर्मली ये 1 से लेकर 120 130 तक स्टोर होते हैं, लेकिन हम यदि साइंड करेक्टर्स की बात करें तो वो -127 से 127 तक के इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हम प्रिंट करके देखते हैं तो हम लिखते हैं एक प्रोग्राम जो 1 से लेकर 127 तक इंटीजर्स को प्रिंट करे, और वो भी एक एज ए इंटीजर एंड एज ए करेक्टर वैल्यू दोनों प्रिंट करे। तो हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया, रन करते हैं और रन किए हुए को देखते हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4 के कोरिस्पॉन्डिंग कुछ करेक्टर है जो मेरी मशीन डिस्प्ले नहीं कर पा रही है, 5 के कोरिस्पॉन्डिंग भी नहीं डिस्प्ले नहीं हो रहा है, 6 के कोरिस्पॉन्डिंग भी नहीं हो रहा है, 7, 8, 9 का डिस्प्ले नहीं आ रहा है, 10 के कोरिस्पॉन्डिंग, 10, 11 और 12 के कोरिस्पॉन्डिंग एग्जैक्ट क्या है नहीं पता चल रहा, लेकिन यहाँ न्यू लाइन जैसा कुछ लग रहा है, 13, 14, 15 का डिस्प्ले नहीं आ रहा है, 16 से लेकर 31 तक के
जो नंबर है उनके कॉरिस्पॉन्डिंग क्या करेक्टर है वो मेरी मशीन में इंस्टॉल्ड नहीं है, इसलिए डिस्प्ले में हमें एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। 32 के कॉरिस्पॉन्डिंग एक सिंगल स्पेस है, मतलब सिंगल स्पेस करेक्टर है वो 32 को रिप्रेजेंट करता है। एक्सक्लेमेटरी साइन है वो 33 को रिप्रेजेंट करता है। डबल कोटेशन मार्क है 34 को रिप्रेजेंट करता है। हैश 35 को, डॉलर साइन 36 को, परसेंटेज 37 को, एम परसेंट 38 को, सिंगल कोट 39 को, लेफ्ट लेफ्ट पैरेंथिस 40, राइट पैरेंथिस 41, स्टार 42, प्लस 43, कोमा 44, हाइपन 45, डॉट 46, स्लेस फॉरवर्ड स्लेस 47, जीरो जो डिजिट है वो 48 को, नाइन जो डिजिट है उसको एज ए करेक्टर देखें वो 57 करेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग है, कोलन 58, सेमी कोलन 59, लेफ्ट एंगल ब्रेस 60, इक्वल साइन 61, राइट एंगल ब्रेस 62, क्वेश्चन मार्क 63, एट 64, अपर केस है 65। और बाद में ये अपर केस लेटर्स के लिए लगातार हैं 90 तक, बाद में लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट 91, बैक स्लैश 92, राइट स्क्वायर ब्रैकेट 93, कैरेट या हैट 94, अंडरस्कोर 95, लेफ्ट कोट लेफ्ट सिंगल कोट 96, लोअर केस ए 97, एंड देन लोअर केस लेटर्स के लिए हैं जेड 122, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट लेफ्ट लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट 123, पाइपलाइन 124, राइट कर्ली ब्रैकेट 125, टिल्डे 126। ये वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है करेक्टर और इंटीजर्स की।